कोटा पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि कोटा शहर में लगातार बढ़ रही दुपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता व वृत्त अधिकारी वृत्त प्रथम भवानी सिंह के निर्देशन में राजेश पाठक थाना दादाबाड़ी के नेतृत्व में व डीएसटी प्रभारी रामवीर सोनी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए मुलजमान धर्मराज उर्फ ललित व अरशद हुसैन उर्फ चिड़ी को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 28 दुपहिया वाहन बरामद किए गए। पहली बार पुलिस चोरी के वाहन खरीदने वाले तक पहुंची और चोरी के वाहन को खरीदने वाला चिड़ी भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए 3 घंटे में ही सारी कार्यवाही करी और मुलजिमों का पर्दाफाश कर दिया। आने वाला मेन व्यक्ति तो धर्मराज उर्फ ललित है। उसके ऊपर पहले भी मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका चलान हुआ है और ये चुरा करके अपने साथी अभियुक्त अरशद हुसैन उर्फ चिड़ी को बेचता था। तो इसके पहले भी कोटा शहर पुलिस ने मोटरसाइकिल जो चोरी गई हुई थी दस्तयाब करी थी, बरामद करी थी, लेकिन हम खरीदार तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पहली बार हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं जिसमें कि अरशद हुसैन को हमने गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में और अनुसंधान में अब तक 28 मोटरसाइकिल हम बरामद कर पाने में कामयाब हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके और अब पेश किया जाएगा माननीय न्यायालय में, हम पीसी रिमांड लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में ये 28 की फिगर और आगे बढ़ेगी। ये कोटा शहर पुलिस की जो उपलब्धि है, ये प्रकरण दादाबादी थाने पे दर्ज हुआ था 315/23 और इसमें विशेष जो रूपरेखा है और वो डीएसटी टीम एएसआई रामवीर सिंह और उनकी टीम की है, उनके द्वारा काफ़ी समय से रेकी की जा रही थी तब जा कर के हमें ये कामयाबी मिली है। ये इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इस वक्त लगा हुआ है, चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है और हमारा धरपकड़ अभियान अपराधियों के विरुद्ध पहले भी चल रहा था, अब थोड़ा और तेज़ हो गया। कल ही हमने 50,000 का इनामी पकड़ा था जो 31 लाख की लूट में वांटेड था, 3 महीने से फरार चल रहा था। तो उसी क्रम में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कोटा शहर पुलिस की और इसमें साइबर का जो सेल है कोटा शहर का वो डीएसटी टीम की विशेष उपलब्धि है और बाकी आगे का अनुसंधान हम SHO दादाबाड़ी कर रहे हैं और इसको रिमांड पे लेके मुझे लग रहा है कि ये लगभग 50 तक फिगर जानी चाहिए, 2-3 दिन में आगे और बढ़ेगी। मैंने बताया नहीं, अभी अरशद हुसैन और चिड़ी है जो इनको खरीदता था, अब उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसने आगे फिर इनके पार्ट्स को ले बेचे, मोटरसाइकिलें इनको बेची, वो भी हमारी चेन आगे बढ़ेगी और जो उसमें और ताकत मुझे मिले। अभी तक तो मोटरसाइकिल चोरी का ही चीज़ सामने आई है लेकिन अभी अनुसंधान जारी है। ये पिछले 24 घंटे के अंदर की कोटा शहर पुलिस की उपलब्धि है। रिमांड पे लेंगे और आगे पूछताछ करेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ और भी खुलासा बेहतर